ये पता जाना ही है राहों से तेरी। हाय, पता तो लग ही गया होगा कि हम कहाँ हैं। हम आए इंडिया गेट। इंडिया गेट यार, मैं कई बार पहले भी आ चुका हूँ, बट मैंने वो मूवी देखी हाफ गर्लफ्रेंड, वो श्रद्धा कपूर ना वहाँ कहीं से ऊपर चली जाती है, तो मुझे सच में देखना है कि हम ऊपर जा सकते हैं। और हाँ, अंदर अंदर तो हम आ ही चुके हैं लगभग, थोड़ा पास से देखते हैं कि ये जगह किसके लिए अच्छी है और अंदर क्या क्या है। चलो चलते हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, और अगर मैं भैया एक बार खड़े हो जाओ ना कैमरे वाले भैया, खड़े हो एक बार, वो भी खटारिया। एक बार दिखाना चारों तरफ कितने लोग हैं। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, कुछ तो वजह होगी ना। वजह क्या, अगर आप दिल्ली में आए हो ना, इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, ये तीन चार जगह ऐसी, अगर यहाँ पे नहीं गए ना तो आप कहीं पे नहीं गए। कैमरे वाले वो भी खटा रही है भैया। एक बार वो दिखाना जहाँ से वो श्रद्धा कपूर गई थी। हाँ जीना भैया 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 भैया, अरे आंटी तार मत तोड़ देना, बाकी सब ठीक है। भैया वो जीना दिखाना एक बार। हाँ वो भैया, वो जो जीना है श्रद्धा कपूर गई थी ऊपर। भैया वो आओ, शक्ति कपूर की बेटी है, वो जा सकती है यहाँ पे, और कोई नहीं जा सकता, मतलब इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। भैया उन्होंने ले ली होगी, तो वो चले गए। इंडिया गेट किसके लिए अच्छा है घूमने के लिए, तो फैमिली के साथ। भाई मैं खड़ रहा हूँ, देखो भैया एक बार दिखाना इसको, देखो वो फैमिली के साथ ही आए हुए हैं, और अपने अपने घर से कोई खाना ले गया है, कोई लोग यहाँ पे खरीद के खा रहे हैं। अगर यहाँ पे खरीद के खाते हैं तो ये थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, आपकी जेब ढीली करनी पड़ेगी, बट हाँ फैमिली के साथ आना घूमना, बड़ी अच्छी जगह है।